स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ये तुम क्या कह रही हो राधा, तुम होश में तो हो? किसने कह दिया तुम्हें सुहाना हमारे ईशान को पसंद नहीं करती? खुद सुहाना ने ये कहा है और मैंने सुना है। सुहाना ने खुद तुमसे कहा ये? नहीं, वो अपने पिताजी से बहस कर रही थी। सुहाना को लग रहा था कि उसके पापा उसकी शादी किसी अमीर घर में कर रहे हैं। सुहाना ने तो ईशान की तस्वीर शादी से पहले देखी ही नहीं। ससुराल गेंदा फूल। नोया, मैं नहीं आ सकती। No movies, no parties for 2 days, okay? मैं नहीं आऊंगी, okay? Bye. मेरे friends ना मेरे पीछे ही पड़े। कोई पार्टी की इनविटेशन आई है? हाँ, वो मेरी फ्रेंड मेघा है ना, उसके फार्म हाउस में पार्टी है। सब कॉलेज फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो फिर चली क्यों नहीं जाती? अगर सुहाना तुम्हारी जगह होती ना तो वो निकल ही जाती नई पार्टी ड्रेस खरीदने। हाँ, मगर मैं जाना नहीं चाहती। क्यों? डैड, मैं दीदी के साथ रहना चाहती हूँ। अभी वो पगफेरे के लिए आएंगे ना, अब मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पगफेरे? सुहाना आएगी ना? ऑफ कोर्स डैड, रस्म है ये तो। और जब वो आएगी ना तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। मैं, आप, दीदी और जीजू हम लोग ना घूमने चलेंगे। We'll have so much fun. मैंने शायद आप पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से तुम्हारा भरोसा टूटे। डैड, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। You spoiled my life, डैड। डैड, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम, मैं, सुहाना और जीजू, ईशान, ऑफ कोर्स, सब मिलके मजा करेंगे। लेकिन उसके लिए सुहाना को यहाँ आना होगा। डैड, आपको क्या हो गया? दीदी यहाँ आने के लिए कितनी बेचैन होगी। I'll just come. Hello? अरे मैं नहीं आ सकती। ओहो, कितना खाना छोड़ता है प्लेट में इंदर। बचपन से उसकी आदत गई नहीं। अब जब खाना खाना ही नहीं है तो प्लेट में निकालता क्यों है पता नहीं। नहीं, सुधरेगा नहीं ये लड़का। अरे क्या कर रही है राधा, ये कपड़ा तो टेबल साफ करने का है, उससे प्लेट क्यों साफ कर रही हो? रखो। अच्छा सुनो, कल के लिए ना चने भिगो देना, कल हम छोले चावल बनाएंगे, सुहाना को पसंद आएंगे। चने भिगो देना है, अच्छे से धोकर भिगो ना। राधा, जा, कहा ना चने भिगोने को। चने? चने? राधा, कहा ध्यान है तुम्हारा, अब क्या सोच रही हो? पहले तो रानू की तरह ईशान की चिंता लगी रहती थी, लेकिन अब तो ईशान की शादी हो गई। सुहाना जैसे खूबसूरत सुशील पत्नी मिली है उसे, अब काहे की चिंता छोड़ो। चिंता तो अब शुरू हुई है बड़ी भाभी। पता नहीं अब ईशान का क्या होगा। मतलब? सुहाना हमारे ईशान को पसंद नहीं करती। क्या कह रही हो राधा, पागल हो गई हो क्या? मैं सच कह रही हूँ बड़ी भाभी, सुहाना की नजरों में ये शादी बेमानी है। ये तुम क्या कह रही हो राधा, तुम होश में तो हो? किसने कह दिया तुम्हें सुहाना हमारे ईशान को पसंद नहीं करती? खुद सुहाना ने ये कहा है और मैंने सुना है। सुहाना ने खुद तुमसे कहा ये?
नहीं, वो अपने पिताजी से बहस कर रही थी। सुहाना को लग रहा था कि उसके पापा उसकी शादी किसी अमीर घर में कर रहे हैं। सुहाना ने तो ईशान की तस्वीर शादी से पहले देखी ही नहीं। और ये सब बातें मैंने अपने कानों से सुनी है बड़ी भाभी। वो उनसे कह रही थी कि उन्होंने उसकी जिंदगी, डैड आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यू स्पॉइल्ड माय लाइफ डैड। आप लोग मेरे लिए ऐसा लड़का कैसे चूज कर सकते हैं? ही सो ऑर्डिनरी लुकिंग, नो एक्स फैक्टर इन हिम। नहीं नहीं राधा, नहीं, कुछ गलत फहमी हुई होगी। तुमने गलत सुना होगा। हाँ, तुमने गलत ही सुना होगा राधा। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने कुछ गलत नहीं सुना है, मैंने अपने कानों से सुना है सब कुछ। और सुहाना, मतलब सुहाना ने कैसे तस्वीर देखे बगैर शादी के लिए हाँ करती, और क्यों? हमने तो कोई बात नहीं छुपाई उनसे। वाजपेयी जी खुद यहाँ आए थे, हमसे मिले, हमारे घर परिवार ईशान को सब जानकर उन्होंने शादी के लिए हाँ की। यहाँ मैंने उनसे पूछा था कि वो अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी से कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा सुहाना शादी के लिए तैयार है। आलोक ने भी तो खुलकर पूछा था उनसे। ये क्या, किसकी बातें हो रही है? किसी की नहीं, बस वो छोले भिगाने थे। आपको कुछ काम था छोटी भाभी? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई राधा, कल सुबह लोग जल्दी जाएंगे 6 बजे। 6 बजे क्यों? अब कुछ गाजियाबाद में किसी से मिलना है इसीलिए। ठीक है, मैं 5 बजे चाय ले आऊंगी। भगवान का शुक्र है राधा कि तुम सारे काम कर लेती हो, वरना मैं और सुबह 5 बजे उठूं, ना ना बाबा, मुझसे नहीं होगा ये। बातों बातों में पानी की बोतल ही लेना भूल गई जिसके लिए आई थी। दीदी, क्या हुआ? क्या? नहीं, आप परेशान लग रही हो। वो थक गई हूँ। जाओ पानी लेकर जाओ आलोक के लिए। हाँ, लेकिन आप आराम करो। हाँ। यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है, है? मालूम नहीं है। ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कितने जमाने के बाद ये गाना याद आया है। तो याद है एक जमाना था तुम ये गाना कितना गाया करती थी। हाँ, पर अब मुझे लाइन नहीं कहाँ याद आ रही है इसकी। अरे तो हमारी सुहाना का तो याद है ना। मैंने कहता था कि सुहाना बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। दिल खुश कर दिया बच्ची ने, है? आजकल के जमाने के बच्चे ये गाने कहाँ याद रखते हैं, है ना? हम न रहेंगे तुम न रहोगे, डा 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 टा टा डा टा टा टा। तुम भी भूल गए ना? अब वो सुहाना बेटा। अरे आप सुहाना को क्यों तंग कर रही हो? तंग नहीं कर रहा मैं, खाली बस बोल पूछूंगा। आजा। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आजा। एक बात बता, वो गाना प्यार हुआ इकरार हुआ तुझे पूरा याद है? तो इधर आ, इधर 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 सुन, तू मुझे इसमें ना पूरा गाना लिख के दे देना। हाँ, मैं और तेरी दादी ना ड्यूट गाएंगे, ड्यूट। देखना कैसे शाहजहान हो रही है। शाहजहान क्या है, जब माहौल थोड़ा रोमानी होता है ना, रोमानी नहीं रोमांटिक, तो मैं शाहजहां होता हूं और ये मुमताज महल। रियली? अभी मैं शाहजहां हूं, मोहब्बत का बादशाह। हाँ, और जब ये
गुस्से में आएगी ना तो मुझे चंगेज खान बना देगी। चंगेज खान? हाँ। ये क्या खुसर पुसर हो रही है? कुछ नहीं, मैं इसको ये कह रहा था कि भाई तुम तो ना मेरी नींद हराम कर देती। हाँ। कैसी बातें कर रही हो इस उम्र में है? सठिया गए हो बुढ़ापे में। अरे क्यों भाई, तुम्हारे खर्राटों की वजह से मैं सो पाता हूँ क्या? खराटे? मैंने तो खराटे है? राम 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 राम, घोर कलयुग आ गया। अरे झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। क्या तुमने शाहजहां को झूठा कहा? शाहजहां? शक्ल देखी अपनी आईने में? शाहजहां, चंगेज खान हो तुम चंगेज खान। मुझे तो सूरत भी नहीं देख रही तुम्हारी है? बहू के सामने बदनाम करके रख दिया मुझे। सुनो, अरे बात तो सुनो, अरे मेरी मुमताज बात तो सुनो। देखा 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 कैसे शाहजहां से चंगेज खान बन गया मैं। क्यों क्यों क्यों? अब सुहाना इस घर की बहू है, यही सच है। हमें सोच समझ कर संभल कर कदम उठाना होगा। हमें ये रिश्ते को बचाना है। राधा, ये बात तुम किसी और को मत बताना, किसी को भी नहीं, रानू को भी नहीं। मतलब? अरे अगर ये बात सब लोगों को पता चल गई तो लोग खिलाफ हो जाएंगे सुहाना के, और फिर एक बार मन में दरार आ गई ना तो। नहीं राधा नहीं, ये बात हम दोनों में ही रहनी चाहिए। भाभी किसी और की नहीं, कम से कम ईशान के बारे में सोचो। ईशान को इस बात का पता चल गया तो दिल टूट जाएगा उसका। आपको क्या लगता है कि सुहाना ने ईशान को ये सब नहीं बताया होगा? मुझे यकीन है कि सुहाना ने ईशान को सब कुछ बता दिया है, तभी तो वो शादी की दूसरी सुबह सारा दिन घर से गायब था। जो भी हो, अब तो सुहाना ईशान की जिंदगी का अटूट हिस्सा है। ईशान समझदार है, ईशान संभाल लेगा सुहाना को। बड़ी भाभी, सुहाना भी बुरी बच्ची नहीं है। राधा, मैं किसी को समझने में गलती नहीं कर सकती। सुहाना बुरी नहीं है, हाँ अभी बहुत बचपना है उसमें, पर बुरी नहीं है। परिवार का मतलब नहीं समझती, बिन माँ की बच्ची है। और सोचो इतना सब होने के बाद भी वो घर छोड़कर नहीं गई, यही है। लहर ऊंची ही सही, नाव डूबेगी नहीं, मुझे भरोसा है। राधा, हमें सुहाना को समय देना होगा। बड़ी भाभी आप कुछ भी कहें, ये लड़की मुझे कुछ पसंद नहीं आ रही है। राधा, बदतमीज है, घमंडी है। आप क्या चाहती हैं कि हमारा ईशान उसे पल पल झेलता रहे? राधा तुम सुहाना के बारे में मत सोचो, ईशान के बारे में सोचो। ईशान पर भरोसा है ना तुझे? ईशान संभाल लेगा सुहाना को। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा ईशान बेहद पसंद करता है सुहाना को। पर सुहाना ईशान को पसंद नहीं करती। पता नहीं ईशान की किस्मत में क्या लिखा है। मैं तो कहती हूं कि हमें अपने ईशान को सुहाना से आजाद करवा लेना चाहिए। नहीं राधा, मैं नहीं चाहती ईशान हारे। तुम देखना, ईशान सुहाना को जीत लेगा। और एक बात मानोगी, जल्दबाजी में सुहाना को ऐसा कुछ भी मत कह बैठना जिससे कल तुम्हें पछतावा हो। ससुराल गेंदा फूल।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।